वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं कैसे तैयार व्यार होके वेलकम कर रही हूँ, अदरवाइज तो मैं सुबह ऐसे ही उठ के सीधा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। एंड उसका एक रीज़न है कि आई हैव फिनिश्ड शूटिंग वन मेकअप वीडियो। मैंने कहा तैयार हूँ तो आई थिंक ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो मैं खुद बोर हो गई अपने वो ना सुबह सुबह वाले लुक से। You wanna take a nap? I'm taking a nap here. Okay, take a nap right there then. Good night. Good night. आज थोड़ा सा स्पेशल भी था, सोच रही थी ब्लॉग स्टार्ट करूं कि ना करूं, फिर सोचा कि चल कर लेती हूं, देखा जाएगा, बनेगा तो ठीक है, अदरवाइज एक्चुअली आज मेरे घर पे कोई आने वाला है, मेरे घर से मतलब मेरे घर से आने वाला है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब मायके से, और महीनों बाद कोई आने वाला है। कुछ महीनों से कोई आ ही नहीं रहा था, और कभी कभी हम ही चले जा रहे थे, कभी इन लॉज के चले जा रहे थे, कभी मम्मी के मैं ही चली गई थी अभी कुछ दिनों पहले। अब आ रहा है कोई, एंड वो कौन आ रहा है मैं बताऊंगी। सो फाइनली आई एम एक्साइटेड, क्योंकि अच्छा लगता है यार, आई फील सो गुड जब मेरे घर में कोई आता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, और ये करना है, ये बनाना है और सब कुछ, तो और अपने ही घर से कोई आता है तो और भी अच्छा लगता है। तो या आपको मैं मिलवाऊंगी थोड़ी देर में, आई थिंक वो निकल भी चुके हैं, इट्स 4:30 PM शाम के, तो आई थिंक आधे आधे घंटे में वो पहुँच जाएंगे। वी विल हैव फन टुडे। If you haven't subscribed me yet, subscribe to my channel and hit the bell icon and follow me on Instagram. बस जितना आता था मैंने सब बोल दिया, I think इतना ही बोलते हैं। Okay, ठीक है, so let's meet after some time. Ta-da! A little longer than a few minutes later. ये रहे ये दो। आप तो मेरे ब्लॉग में आओगे दोनों। कब आ गए? शर्म क्यों आ रही है? बैठ रहे, चलो लैपटॉप में लग जाओ दोनों के दोनों। नजर न लग जाए इसको। मुन्नू तो आता रहता है, तू आया पहली बार आज। हाय बोल दो। हाय। क्या कर रहे हो तुम दोनों? बस इनको लैपटॉप या फोन दोनों में से एक चीज चाहिए ना। सो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? फाइनली चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा कैसे लग सकता है? अभी तो आप आए हो, अभी तो आप रुके भी नहीं थोड़े दिन। कब तक रुकोगे आप बताओ? 2 करोड़ दिनों। 2 करोड़ नजर और नई नई बहू है क्या? शर्मा रही है क्या? मुन्नू तो आदत है ना, अब मुन्नू एक्सपर्ट हो चुका है ना। सो ही इज सोनू, ही इज मोनू, एंड बोथ आर ब्रदर। ये बोलने में तो शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। बुढ़ी में बड़ी शर्म आती है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है। फाइनली दे आर हियर। आप भी करो उनको भी दिखाओ। हाँ पहले मैं दिखाती हूँ कि गिफ्ट क्या लेके आया तुम मेरे लिए। अच्छा मैं दिखा के आती हूँ। सो दिस इज द बेडशीट मम्मी लेकर आई है, और ये मेरी फेवरेट कुछ स्वीट्स है। लेट मी शो यू क्या है ये गुजिया। ये है मेरे फेवरेट, और तो कुछ नहीं। आई लव बेसन के लड्डू। लो खाके देखो कैसे हैं। इन दो लड्डू को हम लड्डू खिलाएंगे, अब बताओ खाके कैसे हैं? खाने से पहले ना मैं खा के मस्त वाले। मजा आ गया तुमने ताजे ताजे लड्डू खा गए। अभी अभी बनाए जमाने वाला। हाँ
थोड़ी सी ये बनवाया आपकी भुर्जी मम्मी के हाथों की भुर्जी। कल दिन में कुछ बनाना, कढ़ी चावल टाइप, कढ़ी चावल या राजमा चावल डिसाइड कर ले। तुम क्या अच्छा बना सकते हो बनाना। काम के मारे आज आपके घर में मेहमान आए, आप छुट्टी ले सकते। हम लोग नासा के लिए काम करते हैं। आपने टिफिन बॉक्स अपने आपने क्या मोटिवेशन के लिए रखा हुआ है। हम लोगों को कभी भी ऑफिस मतलब काइंड ऑफ जंग के मैदान में जाना पड़ सकता है, तो खाना तैयार रहना चाहिए। खाना तो है नहीं। खाना नॉर्मली टिफिन तो है, भर लेंगे जाते हुए। ओके तो देखो ये अपने काम में लगे हुए हैं। क्या आपको कोई काम दम नहीं है? कैसी लगी मूवी तुमको? 50-50% मुझे तो बकवास, इसकी वजह से देखा बस, सोनू की वजह से। रात के 3 बजे ये बाल मजदूरी करवाते हुए लोग। बाल मजदूरी तुम्हें भी कुछ काम करना चाहिए बेटा। I'm speaking to you, talking to you। ये कामचोर बच्चा है, ये हमारा मेहनती बच्चा है। आप अपना हुनर दिखाओ, ये अपना हुनर दिखा रहा है ना, आप अपना वो दिखाओ, क्या नाम है, आपको रैप आता है ना? नहीं आता। चल सुना के दिखाओ, आज हो जाए। सोनू मुझे मैं भूल गया, भूला वाला कुछ नहीं है सच में। जितना आता उतना सुना, जितना आता उतना सुना दो। टाइम आएगा मेरे जैसे शाना लाला तुझे क्या बताएगा, ये शौक चुका डाला मेरी बेड़िया पिलाएगा, तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, आएगा आएगा अपना टाइम आएगा, जैसे शाना लाला मुझे क्या बताएगा। बस बस यस। और लाले और कुछ नहीं, इतना ही आता है। हाँ नहीं आता। much later। Hey guys, good morning। आज नवरात्र है, सो हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू। एंड मैंने फास्ट रख ही लिया, वैसे तो मैं रखती हूँ 9 दिन रखती हूँ, बट इस बारी ड्यू टू सम मेडिकल रीजन 9 दिन नहीं रख सकती, तो पूजा भी करनी है, सब कुछ करना है, तो फास्ट रख ही लेती हूँ, फर्स्ट और लास्ट रख लेती हूँ। मेरे घर पे भी फर्स्ट एंड लास्ट ही रखते हैं। ओके अभी आई हैव जस्ट डन पूजा एंड एवरीथिंग, और हाँ मम्मी और सब लोग विद रिलेटिव्स वगैरह चले गए कल। कल मेरा मन नहीं हुआ व्लॉग करने का, और इवन मैंने सोचा कि व्लॉग बनाऊंगी ही नहीं, बट आज एकदम से मुझे एक एनर्जी सी आई। जब जब नवरात्रे आते हैं और कोई भी फास्ट आता है ना, मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है, एंड आई फील सो पॉजिटिव, एंड तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, भूख लग गई है। आज मेरी शिफ्ट भी है, बट वीकेंड शिफ्ट तो चल जाएगा काम। तो यार अभी के लिए तो इतना ही है, अभी मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, और देखते हैं पूरा दिन क्या होता है। आज तो शुरुआत ही करिए, तो बी पॉजिटिव यू नो, थोड़ा तो पॉजिटिव, मतलब घर वाले आ गए तो वो अच्छा हो गया, और अब फास्ट आ गया तो वो अच्छा हो गया, तो या सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो सी यू आफ्टर सम टाइम, बाय। एंड दिस इज माई चाय, जो अभी दूध की तरह लग रही है, बिकॉज इसमें मलाई डाली है खूब सारी, मतलब मेरी मम्मी के घर में ऐसा होता था, जिस दिन फास्ट होता था ना उस दिन हम चाय में मलाई डालते थे, तो उससे बहुत ही ऐसा मज़ा आता था, फास्ट रखने का भी एक क्रेज सा हो जाता था कि आज मलाई वाली चाय मिलेगी। और यहाँ पे मेरा चल रहा है काम, चाय पीती हूँ, मिलती हूँ ब्रेक के बाद।
जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू, थैंक यू। दिस इज माय नारियल पानी। इसे बोलते हैं धोखा। एक घूट भी नहीं पिया मैंने और ये खत्म हो गया। तुमने वीडियो बनाई ना, पूरा मान गए आज तक। अब इस नेक्स्ट टाइम जाओगे ना तो स्मेल वाले को घर पे ले आऊंगा। अच्छे वाला लेके आना, मरे नए वाले का मैंने क्या चार डालना। यार बोल क्या हुआ होता है, बोल के नहीं वसूल के आना है। नेक्स्ट नारियल फ्री लेके आना, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन फ्री ले लूंगा बस। अब इसका ये खाना पड़ेगा, कुछ तो वसूले इसमें से, वसूलो निकालो इसमें से, वसूलो तुम निकालो। मुझे नहीं आता। हम देखते हैं पंकज कितना कामयाब हो पाता है। ये बू एंड नाउ द बेस्ट पार्ट, रात का डिनर, ये कुत्तों के आटे की रोटी एंड सैलेड, आलू एंड दही। बहुत तेज भूख लग रही है। सो आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ लास्ट नवरात्रे पे, जब मैं लास्ट वाला व्रत रखूँगी। सो अभी मैं खाती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। A little longer than a few minutes later. Hey guys, good morning. Today is Ashtami and मेरा कल फास्ट था और मैंने कल ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मैंने फर्स्ट नवरात्रे में ऑलरेडी ब्लॉग कर चुकी थी तो थोड़ा रिपीटेटिव हो जाता। कंजुके वगैरह तो यहाँ पे नहीं आती है, और आती भी होंगी तो मॉर्निंग में आती होंगी, और हम क्योंकि आफ्टरनून में उठते हैं तो नहीं हो पाता। तो आई विल ट्राई कि जो भी आसपास कोई मुझे दिख जाएगा, या फिर मेरी मेड की एक लड़की है उसको, तो उनको मैं कंजके कर देती हूँ। और अभी प्रसाद भी बनाना है और पूजा भी करनी है। मैंने कुछ नहीं किया अभी, सब बस उठ के नहाई हूँ और मैंने सोचा कि स्टार्टिंग से व्लॉग कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा यादें हैं मेरी ऐसे कंजकों को लेकर, शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कंजके क्या होती है। मतलब अष्टमी नवमी जो पूछते हैं, कुछ लोग नवमी पूछते हैं, कुछ लोग अष्टमी पूछते हैं। हमारे में शादी से पहले भी अष्टमी ही पूजी जाती थी और बाद में भी। उसमें क्या होता है, कन्याएं पूजते हैं, जिनके घर में लड़कियां होती हैं उनको पूजा जाता है, उनको प्रसाद दिया जाता है और कुछ भी गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो माता का दिन होता है, तो सारी नौ माताओं को पूजा जाता है इस दिन। तो यह आई एम ब्लेस्ड कि मैं वो सब कर पाती हूँ। इस बार नौ दिन का नहीं रखा है मैंने, बट इट्स ओके, दो दिन भी कर लिया तो बहुत है मेरे लिए। तो अभी चलते हैं, पूजा करते हैं। और मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ जब भी मैं माता की भेंटें सुनती हूँ, क्योंकि बचपन में बहुत जागरण वगैरह में गई हूँ। बहुत एक अटैचमेंट हो जाता है जब भी मैं भेंटें सुनती हूँ माता की। ओके सो ठीक है, मैं फटाफट करती हूँ, काम भी करना है बहुत, मतलब प्रसाद भी बनाना है तो बहुत सारा काम है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इंट्रो कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी सारा काम करते हैं।
डाल दिए गए बादाम और कुटी हुई इलायची, चना मसाला, कुंडी मचना तैयार। सारा हलवा मैंने बनाया, लास्ट में आ गई घी गरम किया पहले मैंने, दोनों चीजें बन चुकी हैं ऑलमोस्ट, बस पूरी रह गई है। एकदम लाजवाब, ये तो थोड़ा सा सूप जैसा लग रहा है, ये वो हो जाता है हो जाता है। कैसा रहा भोजन आपको, ये हमारे पंडित जी सही आईफोन दे दो ठीक है अब कहाँ से आएगा, ऊपर से मुझे साफ करो पहले आप हलवा बताओ कैसा है। मीठा ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं डाला, मैंने कहा लास्ट टाइम ज़्यादा हो गया था। अब ये पति का झूठा खाऊंगी मैं कोई नहीं, ये छोले वैसे मैंने टेस्ट कर लिए थे, थोड़ा सा नमक ज़्यादा है बट इट्स गुड, आलू के साथ मिला लेती थोड़ा। लोग बोलते हैं हलवा पूरी और छोले मिक्स करके खाओ तो अच्छे लगते हैं, आज ट्राई किया जाए। तो इसमें मेरे है हलवा पूरी और छोले सब। जगदाते की याद आ गई। सो आई थिंक मैं खाना वाना अच्छे से खा लेती हूँ और इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। आई होप यू पीपल लाइक इट एंड एंजॉयड वॉचिंग इट, एंड इफ यू रियली डू देन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बस ऐसे ही प्यार देते रहना। तो सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट वीडियो में भी। सो टिल देन अपना ख्याल रखना और ऐसे ही खुश रहना, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, बाय।